आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में हम करेंगे शिलिंग्स टेस्ट। मैंने आपको इससे पहले बताया था वाइटमिन B12 की डेफिशिएंसी के क्लिनिकल सिम्टम्स और वाइटमिन B12 डेफिशिएंसी के लैब डायग्नोसिस, जिनके अंदर हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। ये एकमात्र जरिया है शिलिंग्स टेस्ट, जिसके द्वारा हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए चले शुरू करते हैं। शिलिंग टेस्ट के दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर क्या होता है, हम B12 को लेबल करके ओरली देते हैं और B12 को अनलेबल्ड हम सीधी इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, 24 घंटे के बाद हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे। अगर यूरिन में 10% से ज़्यादा वाइटमिन B12 हमें मिला तो हम ये समझेंगे कि बॉडी को ज़रूरत नहीं थी वाइटमिन B12 की और बॉडी एकदम नॉर्मल है, उसको किसी भी वाइटमिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है, ना उसे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया ना उसे पर्नीशियस अनीमिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर लेस देन 10% यूरिन के अंदर हमें वाइटमिन B12 मिला तो मतलब डेफिशिएंसी तो है। अब या तो वो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है, या तो वाइटमिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या IF नहीं है, IF को तोड़ा जा रहा है पर्नीशियस अनीमिया के अंदर, जो एंटीबॉडी बन रही है उसकी वजह से IF को तोड़ा जा रहा है। पार्ट टू के अंदर क्या करते हैं, दूसरे दिन हमने पेशेंट को बुलाया, यूरिन सैंपल लिया और पार्ट वन का रिजल्ट देख लिया और उसके बाद हमने IF दिया, अब की बार ओरली इंट्रिंसिक फैक्टर दे दिया और फिर से हम यूरिन टेस्ट करेंगे। अगर यूरिन के अंदर IF आता है तो हम समझेंगे कि बॉडी को IF की ज़रूरत नहीं है और ये जो है वो है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। और अगर यूरिन के अंदर IF नहीं आता, दैट मीन्स यूरिन इज़ नॉर्मल, तो हम समझेंगे कि बॉडी के अंदर IF की ज़रूरत है, मतलब IF को तोड़ा जा रहा है, तो उस पेशेंट को पर्नीशियस अनीमिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये दो लाइंस, कि अगर बॉडी के यूरिन के अंदर जो IF आया, एबनॉर्मल यूरिन बोलेंगे उसे, क्योंकि यूरिन के अंदर IF आया है तो इसका मतलब बॉडी को IF की ज़रूरत नहीं थी, वाइटमिन B12 की ज़रूरत थी, वो माल एब्जॉर्ब हो रहा था, वाइटमिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, तो उसको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है। लेकिन अगर बॉडी को IF की ज़रूरत है, मतलब यूरिन नॉर्मल है, उसके अंदर कोई IF नहीं आया, IF एब्जॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब उस पेशेंट को पर्नीशियस अनीमिया था, बॉडी के अंदर IF की एंटीबॉडीज़ बन रही है, IF के खिलाफ एंटीबॉडी बन रहा है और IF को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो टाइप 1 हो, अब चाहे वो टाइप 2 हो, इसको हम नहीं कर सकते डिस्क्राइब। वो टाइप 1 भी पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, 75% वो टाइप 1 ही होता है, सीधा IF को ही मारते हैं। टाइप 2 में CBL और IF कॉम्प्लेक्स को मारा जाता है, लेकिन वो 75% पेशेंट्स में टाइप 1 पर्नीशियस अनीमिया ही होता है। तो शिलिंग टेस्ट में इतना ही था, इसके ज़रिए हमने देख लिया कि पर्नीशियस अनीमिया या मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में करूँगा मैं फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड वो दूसरी चीज़ है जो वाइटमिन B12 ने तो डेफिशिएंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हुआ, पर्नीशियस अनीमिया हुआ, और वाइटमिन B12 की डेफिशिएंसी से साथ साथ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो ये मैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आपको फोलिक्स के बेसिस बताऊंगा, THF के, टेट्राहाइड्रोफोलेट के, डेफिशिएंसी में होती किस कारणों के वजह से है, क्लिनिकल सिम्टम डेफिशिएंसी के अंदर पेशेंट के अंदर दिखता क्या है, और हम फोलिक एसिड को लैब के अंदर कैसे डायग्नोज करें मैं आपको बताऊंगा। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।